सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं बात करने वाला हूँ MSBT के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बारे में। और गाइस इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों ने जो है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे थे वो है बैक के सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको उनका भी जो है आंसर देने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मैंने भी जो है अपने जो टीचर्स हैं, जो डिप्लोमा के जो टीचर्स हैं, उनसे भी जो है इन क्वेश्चंस के ऊपर पूछा है और उनका क्या रिप्लाई था, और वो मैं जो आपको विथ फुल प्रूफ जो है दिखाऊँगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो है फाइनल ईयर के जो MSBT के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है, जो कि अभी ही जो है एक लेटर आप सभी ने जो है ट्विटर पे देखा होगा, तो भाई ये जो है लेटर लिखा गया है UGC को, कि जहां पर ये बताते हैं कि भाई जो है एग्ज़ाम जो है फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है कैंसिल कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे इस लेटर में ऐसे लिखा है, वी आर फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ COVID-19 एंड द एंटायर नेशन हैज़ बीन लॉकडाउन फॉर ओवर अ मंथ। While we have taken a decision of cancelling all examination except that of final semesters, the fate of students studying in final year hangs in balance. These students studying in the final year are under immense stress and a pressure as to how the examination would be conducted and would they pose a risk to their health. As per the direction of Shiv Sena leader, Yuva Sena president and Maharashtra State Cabinet Minister Shri Aditya Thackeray, we sincerely request you to consider cancelling the examination of final semester as well. तो इसके अंदर जो है ये यही बताते हैं कि भाई जो है फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं, थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम है फाइनल सेमेस्टर के, वो जो है कैंसिल किए जाने चाहिए। तो इन्होंने जो है UGC को ये लेटर लिखा है। तो अब हम देखते हैं कि भाई UGC जो है इस लेटर के ऊपर क्या रिस्पॉन्ड देती है, क्या वो एग्ज़ाम को कैंसिल करती है नहीं करती है। तो वो तो जो है अब UGC की जो है देखते हैं गाइडलाइंस क्या आती हैं। अब हम जो है बात करते हैं बैक के सब्जेक्ट के बारे में, जो आप लोगों ने जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो गाइस मैंने जो है आप लोगों के कमेंट्स पढ़े और कमेंट्स के अंदर जो है मैंने यही पाया कि आपने सबसे ज़्यादा कमेंट ये पूछा है कि अगर मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, अगर मैं फिफ्थ सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट मेरा बैक रह जाता है तो मैं उसकी एग्ज़ाम कब दूंगा और कैसे दूंगा, तो क्या मुझे जो है फिर बैकलॉग होगा और क्या मेरा जो एक साल है वो बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोगों ने ये पूछा है कि भाई अगर मैं अभी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे जो है प्रमोट करके अभी थर्ड ईयर में भेजा जा रहा है, तो मेरा सपोज़ अगर फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट बैक रह जाता है तो क्या मैं YD हो जाऊँगा, क्या मुझे प्रमोट किया जाएगा या नहीं। तो गाइस यही जो क्वेश्चंस हैं मैंने जो है आज मॉर्निंग में जो है मैंने मेरे टीचर से भी पूछे थे, आप लोगों के जो डाउट्स थे तो घुमा फिर के इन्हीं क्वेश्चंस पे आते हैं। तो गाइस मैंने जो मेरे टीचर से पूछे तो मैं आपको जो है चैट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी मैम यही कहते हैं कि भाई इसके जो क्लियर जो भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अभी तक जो है नहीं आए हैं, ऑफिशियली जो GR है वो अभी तक नहीं आया है, जिसके अंदर जो है सारे गाइडलाइंस लिखे होते हैं, ना ही अभी तक ऑफिशियली आप देखोगे तो कोई भी यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है गाइडलाइंस नहीं आई है, ना ही MSBT के ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये जो है जल्द ही डिस्प्ले हो जाएंगी सारे साइट्स के ऊपर, जो कि ट्यूसडे वेडनेसडे तक हो जाना चाहिए। तो बाकी जितने भी जो डाउट्स हैं ना यार, ये आप सभी के तभी क्लियर होंगे जब जो है ऑफिशियली जो है GR डिस्प्ले हो जाता है। तो हम सबको जो है उसका वेट करना होगा, जब ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है, ऑफिशियली साइट पे आ जाता है, तब उसके बाद जो है हम इस थिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो गाइस ये जो आपके क्वेश्चंस थे ये डेफिनेटली मैं पढ़ता हूँ। आपने मोर देन 1000 से ज़्यादा कमेंट किए हैं और आप सभी के यही जो क्वेश्चन हैं घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से आपने पूछा है। तो गाइस होपफुली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।